अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। आज किचन क्लोजअप में जो रेसिपी शेयर की गई है बहुत ही मजेदार शानदार सी हमने बनाई है। बटर बोनलेस हांडी बहुत ही अच्छी जायकेदार बनी है। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ किचन क्लोजअप में। चलिए वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम इस हांडी को एंजॉय करते हैं। बोनलेस व्हाइट बोनलेस हांडी बनाने के लिए मैंने लिए बोनलेस चिकन हाफ के जी ले लिए। इसके हमने छोटे छोटे से पीस कर लेने चिकन के, ये देखिए। जनाब हमने चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए। अब एक बाउल में हमने चिकन को ट्रांसफर कर लेना है, ये देखिए। चले जनाब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून दही। चले जनाब दही ऐड कर देने के बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पाउडर डाल देंगे और इसके साथ साथ इसमें सिर्फ स्पाइस में डालेगा सफेद मिर्च, ये देख लीजिए। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। शाही जीरा हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टी स्पून और अब हम इन सब चीजों को करेंगे मिक्स। चिकन में सारा मसाला लगा देने के बाद अब हम आपसे मिलते हैं आधे घंटे के बाद। हमारी मैरिनेट हो गई, आधा घंटा हो गया। अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर हम डाल देंगे 3 to 4 टेबल स्पून बटर के और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल देंगे 4 टेबल स्पून। छोटे से साइज की प्याज ले लिए मैंने। प्याज आप ये सोच ली देख लीजिएगा कि व्हाइट से कलर की और ज्यादा लाल ना हो, वो हम इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करी हुई डाल देंगे। और बटर मैंने अनसॉल्टेड यूज किया, अगर आप सॉल्टेड यूज करते हैं तो फिर चिकन में थोड़ा सा नमक कम कर लीजिएगा। प्याज को सौते कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चले जनाब अब हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम कर देंगे और लिड लगा के रख देंगे जब तक चिकन हमारी अच्छे से गल रही है। जनाब 5 से 10 मिनट पूरे गुजर चुके हैं, अब हम चिकन देखते हैं। ये देखिए बीच में आपने 1 से 2 दफा इसमें जरा चमचा चला लेना है, बिल्कुल रख के भूल नहीं जाइएगा। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल गल चुकी है चिकन। चले जनाब ये चिकन हमारी पूरी अच्छे से जब गल जाए फिर हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम। क्रीम का पूरा मैंने 1/2 पैकेट लिया, यानी कि 100 ml हमने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है और इसे मिक्स कर लेना है। मैंने हरी मिर्ची ली थी, इसको बीच में से इस तरह करके काट लिया था, ये देखें। अब ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और क्रश ब्लैक पेपर इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए ये देखिए हमारी व्हाइट हांडी मजेदार सी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करते हैं।
मजेदार किस्म की हमारी व्हाइट हांडी खाने के लिए तैयार हो चुकी है। इसको हमने सर्व किया गर्मा गर्म सी हांडी में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है बड़ी मजेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चलें फिर, आप सबसे ज्यादा चाहूंगे अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।